नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। भिवानी के अरुणा तंवर ने पैरा एशियन जीता, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अरुणा को बधाई दी। आपको बता दें कि 23 वर्षीय अरुणा तंवर पैरा एशियन खेलों में 43 में से 47 किलोग्राम भार वर्ग में ताइक्वांडो खेल में पदक प्राप्त करने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। चीनी प्रतिद्वंदी खिलाड़ी चेन टोंग को हराकर कांस्य पदक प्राप्त किया और विश्व के चौथे नंबर की ताइक्वांडो खिलाड़ी बनी और परिजनों को बधाई देने वालों का तांता लगा। वहीं परिजनों ने मिठाई खिलाकर बधाई दी। बेटी चीन में खेल रही थी तो चीन की खिलाड़ी को पराजित करके उसने ये दिखा दिया कि हाँ, इंडिया में, भारत में भी खिलाड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे परिवार का, पूरे हरियाणा का, पूरे देश का, सभी का साथ रहा है। तब सभी ने दुआएं की है, तभी बेटी इस मुकाम पर पहुंची। और मेरी बहन ने चाइना के खिलाड़ी को हरा करके देश के लिए मेडल जीता है और हम सब बहुत ही गर्वान्वित हैं, हमारा पूरा गांव। अरुणा तंवर मेरी सिस्टर है, हमें बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है आज उनको ऐसे मतलब देख के। और ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने वो किया है और हम मेरी उससे तो हमारे घर में वो पहली लड़की है जिन्होंने इतना नाम रोशन किया। यमुनानगर के दशहरा ग्राउंड में 75 फीट रावण का पुतला और 65 फुट कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया गया। इस मौके पर यमुनानगर से बीजेपी विधायक घनश्याम अरोड़ा और जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा मौजूद रहे। रावण के पुतलों के साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का भी दहन किया गया। यमुनानगर के दशहरा ग्राउंड में हर बार की तरह इस बार भी दशहरे पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं यमुनानगर से बीजेपी विधायक घनश्याम अरोड़ा ने प्रदेशवासियों को दशहरे की बधाई दी और कहा कि ये असत्य पर सत्य की जीत है, बुराई पर अच्छाई की जीत है। क्षेत्र के थीम पार्क में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया गया। दशहरा कमेटी की तरफ से धूमधाम से यह त्योहार मनाया गया। हर साल की तरह इस साल भी सुंदर सुंदर झांकियां निकाली गई। दशहरा उत्सव पर विधायक सुभाष सुधा ने मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं विधायक सुभाष सुधा ने नगर वासियों को दशहरा पर्व की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्री राम ने इसी दिन रावण का वध किया था और असत्य पर सत्य की विजय के रूप में ये दिन मनाया जाता है। विजयदशमी महापर्व की मैं पूरे कुरुक्षेत्र लोकसभा वासियों, हरियाणा प्रदेश वासियों, देश वासियों आज बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ये जो असत्य के ऊपर सत्य की जीत हुई है, जो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई है। की तरफ से और जितने भी गणमान्य व्यक्ति आए हैं कभी दशहरा कमेटी की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। विजयदशमी
पर रेवाड़ी में 101 फीट ऊंचा रावण का पुतला दहन किया गया। हजारों की संख्या में लोग रावण के पुतले को देखने पहुंचे। बता दें कि इस रावण के पुतले का सर 21 फीट और मूछें 51 फीट, आंखें 9 फीट, टांगे 20 फीट और पैर 10 फीट के बनाए गए। 101 फीट के इस रावण के पुतले को बनाने में लगभग 20 दिन का समय लगा और 10 लोगों की टीम के सहयोग से इसे बनाया गया था। बता दें कि रेवाड़ी में आप तस्वीरें देख सकते हैं कि 101 फीट का रावण का पुतले का दहन किया गया। इस टीम को बनाने में लगभग 10 लोगों की टीम इसको बनाने में लगी और 20 दिन के अंदर इस पुतले को तैयार किया गया। इंद्री में भी रावण के पुतले का दहन कर विजयदशमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। पुतला दहन में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के साथ पूर्व मंत्री भीमसेन भी मौजूद रहे थे और उन सभी के मौजूद रहने से कार्यक्रम की शोभा और ज्यादा बढ़ गई। वहीं श्री राम नाटक अमल क्लब की तरफ से शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा पूरे शहर से होती हुई दशहरा ग्राउंड पहुंची और दशहरा ग्राउंड में रावण के पुतले का दहन को देखने की संख्या में काफी श्रद्धालु मौजूद रहे थे। पलवल में रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतले दहन से पहले एक दिन व्यक्ति ने मेघनाथ के पुतले में आग लगाई। पहले ही पुतले में आग लगने में लोगों में दहशत का माहौल बन गया, जबकि निजी सुरक्षा गार्डर्स ने नशे की हालत में एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। एक था, हाँ जी। कहाँ से आया था? पता नहीं जी, बाहर से आया एकदम। वो नशा कर रखा था? नशा था भी पीरा थी। तो कैसे पकड़ा उसको, कैसे पता लगा? ये पता ऐसे लगे जी, जब दूध देखा जोर के अरे यानी एकदम फैटी है, ये फैट जब हड्डी हो फिर यार मैं पकड़ने गयो हूँ, यानी वो हम धक्का मारे और फिर मैं दोबारा पकड़ के कुछ हवाला कर दिया। तो पहला तरी है जहाँ सारे तीन पुतले थे, हमारी ड्यूटी 4:30 बजे से यही थी, अचानक किसी ने पुतले में आग लगा दी। हमने अपनी जो है कार्रवाई की है, दो पुतलों को बचा लिया गया। तो कुछ पता लगा कौन था आग लगाने वाला? सर यही चल रहा है कि प्रशासन ने उसको पकड़ लिया है। तो आग एकदम फैल गई थी इसमें? हाँ, एकदम से आग उसको पहुँचा रहा। तो बुझाने में कितने कर्मचारी थे? बुझाने में हम सर 3-4 कर्मचारी थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में सीएम के विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ई संजीवनी स्वास्थ्य सेवा के लाभार्थियों से संवाद किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौर में घर से बाहर निकलना जोखिमपूर्ण था। इस वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा था। उस समय लोग बीमार होने पर कोविड से बचने को बचाव को ध्यान में रखते हुए अस्पताल जाने से डर रहे थे। यदि अस्पताल जाए तो वहां मरीजों की भारी संख्या के चलते डॉक्टर को मिल पाना बहुत मुश्किल था। ऐसे समय में घर बैठे चिकित्सक परामर्श लेकर उपचार करने के लिए ई संजीवनी सेवा अत्यंत कारगर साबित हुई। हरियाणा में इस सेवा की शुरुआत 1 मई 2020 को की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए टेली परामर्श को व्यापक और सशक्त बनाया था। वहीं प्रदेश के हर जिला सिविल अस्पताल में एक एक अर्थात 22 स्थापित किए गए थे। दूसरा लाभ अस्पतालों को भी होता है। अस्पतालों में मरीजों का जो दबाव है वो भी कम होता है, डॉक्टर के पास भी दबाव कम होता है। तो इतने टेलीफोन के माध्यम से जितने लोग ओपीडी का अथवा अन्य बीमारियों का जो परामर्श लेते हैं इस टेली परामर्श से, और उनको भी सबको लाभ होता है। मैं तो आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ, मुझे भी कोविड के दौरान इस कोविड की बीमारी में से गुजरना पड़ा था।
और इसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स हुए थे, जो उसके बाद कुछ तकलीफें शेष रह जाती हैं, तो हमारे एक डॉक्टर मित्र ने, यहाँ से एक दूर डॉक्टर थे, दूरी अधिक थी, तो वहां जाने की बजाय उन्होंने कहा कि आज हम टेली परामर्श के माध्यम से इनसे दवाई पूछ लेते हैं, और उन्होंने टेली परामर्श के माध्यम से दवाई पूछी। एक 5 मिनट में सारी बातचीत बता दी गई, डॉक्टर ने अच्छी दवाई भी दे दी, और उस डॉक्टर की दवाई को सेवन करने के बाद मुझे उसका लाभ भी हुआ। तो वास्तव में इस टेली परामर्श की पद्धति से जिनके पास कंप्यूटर या इंटरनेट के साथ लगा हुआ कंप्यूटर है अथवा एंड्रॉइड का फोन है, वीडियो कॉल अथवा लाइव चैट के माध्यम से टेली कन्वर्सेशन करके और इस दवा का प्रारंभ कर सकते हैं। अभी ई संजीवनी के माध्यम से ओपीडी का जो जोर है, ओपीडी का जो दबाव है, वो भी काफी कम हो गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपने स्पेशलिस्ट को जो बैठाया है, उन स्पेशलिस्ट की अच्छी जो दवाई हमको मिलती है, इसका लाभ सब लोगों को होता है। अभी जब ये ई संजीवनी प्रारंभ हुई थी तो उस समय 13 कॉल प्रतिदिन मात्र आती थी, और अब धीरे धीरे बढ़कर के सभी 30 डॉक्टर्स के पास 500 कॉल्स के लगभग ये आनी शुरू हो गई हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।